नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना साथी दीपक पवार और इस मंच पर आप लोगों का स्वागत है। हरियाणा ग्रुप डी का पेपर जो 21 अक्टूबर 2023 और 22 अक्टूबर 2023 को हुआ था, तो उसकी एक लिस्ट पहले लग चुकी है सिलेक्टेड बच्चों की और अब आयोग ने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। जब किसी का बालक नौकरी लाग गया मेरे भाई, मास्टरा ने, बालका ने, गरक्या ने, बहुत खुशी हुआ है और खुशी की बात भी है। जी हाँ बच्चे, अगर मैं बात करूं ये जो लिस्ट जारी की है आयोग ने, ये लिस्ट है 3774 बालका की और इन बालका में किस कैटेगरी में कितने नंबर पर लिस्ट लगी है वो मैं आपको लोगों को बता देता हूं। अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी, ये लिस्ट लगी है 77.83 नंबर पर। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की जो लिस्ट लगी है 74.71 नंबर पर। बीसीए 73.71 ठीक है। बीसीबी 74.97 नंबर पर। अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी की लिस्ट लगी है 70.18 नंबर पर। जो सिलेक्टेड बालक हैं आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं और ये लिस्ट जो लगी है ज्यादातर बच्चों को कॉमन कैडर दिया गया है। डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएंगे, कोई बात नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज्वाइनिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज और बताना चाहूंगा इसके साथ साथ बच्चे, इस लिस्ट के साथ साथ पीछे आपने पता होगा हरियाणा में टीजीटी की लिस्ट लगी थी, लेकिन उस लिस्ट में टीजीटी पंजाबी का रिजल्ट रोक दिया था, वो रिजल्ट भी जारी कर दिया है। जी हाँ बच्चे, इस लिस्ट के साथ साथ हरियाणा में टीजीटी पंजाबी का रिजल्ट भी जारी कर दिया है। सिलेक्टेड बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं और तरक्की करें जिंदगी में, यही हमारी कामना है। चलिए खुश रहें, परिवार ध्यान रखें, मिलूंगा नई जानकारी में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।